जैन दोस्तों, क्या हालचाल आप सभी का। मेरा नाम है अजीत सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूँ तिरुपति बालाजी महाराज के धरती यानी तिरुपति से। और आप सभी को ले जाऊंगा इस तिरुपति रेलवे स्टेशन से अपने चार धामों में से एक धाम यानी रामेश्वरम धाम। जी हाँ, क्योंकि आज हम जो ट्रेन जर्नी करने वाले हैं ना, वो जो दो धामों को कनेक्ट करने वाली ट्रेन में, क्योंकि ये ओखा के पास जो द्वारिका है अपने चार धामों में से वो भी एक धाम है, उस चार धामों में से एक धाम से चलने वाली यानी ओखा से रामेश्वरम के बीच में 16734 यानी ओखा रामेश्वरम वीकली सुपर फास्ट एक्सप्रेस में जर्नी करने वाले हैं, जो कि ये धाम यानी तिरुपति धाम से भी होके गुजरती है। तो चलिए आज हम इसी तिरुपति धाम के तिरुपति रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन को बोर्ड करें। और दोस्तों देख सकते हो, ये आ चुकी है अपनी ओखा रामेश्वरम एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। जी हाँ, तिरुपति का 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आई है। इसका अनाउंसमेंट था पहले 4 नंबर पे, सभी को दौड़ा दौड़ा के पीछे से लेके आ चुकी है 3 नंबर पे। इसीलिए भाई साहब, ऐप का कुछ नहीं कहा जा सकता, अनाउंसमेंट का भरोसा नहीं। और बात यह है ना कि ये ट्रेन ओखा से सुबह में 8:40 पर निकलती है और ठीक 3 दिन बाद यानी 3155 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आप सभी को पहुंचाएगी रामेश्वरम 7:15 पे। भाई साहब, इतना सारा भीड़ है कि मैं तो कभी सोचा नहीं था कि रामेश्वरम जाने के लिए इतने लोगों के भीड़ कि भाई कि घुसना मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए, मतलब कि किसी को उतरने दिया जाए चाहे ना दिया जाए, लेकिन घुसना जरूरी है। कहा कि भाई रामेश्वरम जा रहा है, धाम जा रहा है, तो थोड़ा उत्साहत होती है मन में। ये देखिए, भीड़ काफ़ी ज़्यादा है और ये अपने हिंदी वाले सब है, बाकी ये भी कैसे भी जद्दोजहद कर रखे हैं हम तो, लेकिन घुसेंगे बाद में। कहा से कि पहले भैया लोगों, चाचा लोगों को घुस जाने दीजिए। कहा से कि हम तो अभी नौजवान हैं भाई, सब दर्शन तो करते रहेंगे, बाकी घुसना दीजिए। अच्छा खासा है इसका मतलब। अब देखिए, अभी तक फिलहाल में देखिए अभी खाली आ रही थी, लोग सो सो के आ रहे थे। देखिए लोग सो सो के आ रहे थे, लेकिन अब नहीं सो पाएंगे, बैठना है। कहा से चलिए चलते, हम भी घुसते हैं। ये चाचा जी को घुस घुस जाने दीजिए जब तक। दोस्तों आ चुके हैं ट्रेन में। देखो ऐसा कुछ हालत हो गया अभी ट्रेन का, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे ट्रेन चलेगी तो पूरा शांत हो जाएगा। कहे से कि मान लो कि इसमें तो भाई कम से कम 300 लोग तो बैठ सकते हैं, 100 आदमी का सीट होता क्या हुआ, लेकिन करीबन ठीक ठाक है। वैसे निकलने वाली है जो ट्रेन है ना, अपनी आई थी यहाँ पे पूरे के पूरे 1 घंटे लेट। पता नहीं क्या हुआ रेणुगुंडा में, तो ठीक ठाक टाइम पे आ चुकी थी, थोड़ा बहुत लेट, लेकिन यहाँ लेट हो गया। चलिए चलती है तो निकलते हैं। चलिए चलिए चलिए, बैठिए बैठिए, सब खा लिए बैठिए बैठिए, सब खा लिए। आप रही गए थी क्या? बोलने का भी कोई फायदा नहीं है, कुछ समझ में नहीं आएगा इन लोगों को। ये दोस्तों देख सकते हो, ट्रेन अपनी निकल चुके तिरुपति बालाजी महाराज धाम से। और बात है कि तिरुपति बालाजी महाराज धाम की जय, रामेश्वरम के महाकाल की जय। क्योंकि भाई साहब, किसी यात्रा को स्टार्ट करना है तो ऐसे आशीर्वाद लेके स्टार्ट करते हो। ऐसे बात करना है तो आप सभी को मैं ऐसी ट्रेन जर्नी काफ़ी कराते रहता हूँ, तो भाई वीडियो अच्छा लगे तो लाइक चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी हमारे साथ मिल सकते हैं, हमारे साथ जर्नी कर सकते हो, पूरा इंडिया घूम सकते हो। जब तक के लिए चलिए, खूबसूरत से नज़ारों का इंजॉय करते हुए सब्सक्राइब और लाइक कर दिया है ना, क्योंकि आप सभी अगर, हाँ एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आप सभी मेरे से इंस्टाग्राम पर अगर बातें करना चाहते हो, मेरे से मिलना चाहते हो, तो भाई साहब इंस्टाग्राम एंटिक अजीत आ रहा होगा, इस पर आइए फॉलो कीजिए और बातें कीजिए। लेकिन अब खूबसूरत नज़ारों का एंजॉय लीजिए आप। दोस्तों तिरुपति बालाजी से निकलते निकलते आप भी एक बार दर्शन कर लीजिए। देखिए वही पहाड़ियों में बादलों के बीच में है अपने तिरुपति बालाजी महाराज। यहाँ से तो नज़रों से तो नहीं दिख पाएगा, क्योंकि भाई तिरुपति बालाजी का दर्शन करने के लिए आपको ज़रूर आना पड़ेगा। देखिए कितना खूबसूरत बादलों से घिरा हुआ नज़ारा आ रहा है। काटपाड़ी जंक्शन, जंक्शन है, जंक्शन है काटपाड़ी जंक्शन। तो चलिए दोस्तों, ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है अब आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु में, और हम आ चुके हैं काटपाड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन। और बात करें इस काटपाड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन की, तो बहुत ही बड़ा ये जंक्शन रेलवे स्टेशन है, क्योंकि देखो एक लाइन यहाँ से आप सभी इसी रेलवे स्टेशन से लाइन पकड़ के चले जा सकते हो बेंगलोर, इधर से ही निकल सकते हो चेन्नई, और एक अपनी लाइन जो जाहिर है तिरुपति बालाजी के तरफ। और ऐसे बात करो इस काटपाड़ी रेलवे स्टेशन की, तो स्टेशन कोड है KPD नंबर प्लेटफॉर्म 5 है, 7 ट्रेन अर्जेंट रिटर्नमेंट होती है डेली, 234 ट्रेनों का बहुत ही अच्छा खासा हॉल्ट है। वैसे ये जो है ना तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में आता है, और जो वेल्लोर जिला है काफ़ी चीज़ों के लिए फेमस है, जैसे अपने रबड़ उत्पादन के, चमड़े उत्पादन के लिए। दूसरा यहाँ पे CMC वेल्लोर है,
जो कि हमारे बिहार, यूपी, बंगाल और काफ़ी जगहों से यहाँ पे लोग इलाज कराने आते हैं, क्योंकि यहाँ पे सस्ते में अच्छा इलाज होता है। सांबर, सांबर चटनी, ठीक है दो आएगा 40 रुपये का। तो भाई साहब इडली तो खाने का मन नहीं था, तो हमने डोसा ही ले लिया 40 रुपये का, सस्ता सुविस्ता पड़ गया यार, क्योंकि वजन से काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। चलिए ट्रेन खुलने वाली है, निकलते हैं अब। दोस्तों ट्रेन अपनी निकल चुकी है कटपाड़ी से, और ये अपने दोस्त मिले हैं। देखो देखने में लुक लाइक सेम सेम, बट ही डोंट अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज। वेयर आर यू गोइंग? आई एम गोइंग टू रामेश्वरम। रामेश्वरम, दैट्स योर फर्स्ट टाइम? यस यस। यू नो रामेश्वरम बम्मन ब्रिज? या, इट्स अ रियली ऑसम एंड थ्रिलर जर्नी। यस यस। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज राम। राम, योर व्हाट्स योर फुल नेम? रामायण चरण और वेंकटेश्वर। भाई साहब देखो नाम जो होता है ना इतना बड़ा होता है कि एक बार याद करोगे तो याद नहीं होगा। योर नेम इज वेरी बिग। सो चलते हैं भाई साहब, मजे लेते हैं भाई से, काहे से कि लैंग्वेज इतना भी हमारा ठीक नहीं है और ये भाई का भी इतना ठीक नहीं है। बाकी काफ़ी ज़्यादा भीड़, यहाँ से कोई से भी ट्रेन आती है तो लोग चढ़ते हैं और उतरते हैं। बाकी हम खाते हैं, क्या लिया है? डोसा, डोसा खाते हैं अब। ये देख सकते हो भाई, दो डोसा दिया है, एक वड़ा दिया है और ये सांभर और चटनी। भाई साहब खाने में बिल्कुल स्वाद आ जा रहा है, हल्का खट्टा खट्टापन है। बाकी ये जो है ना, ये बड़ा तो हार्ड हार्ड है, लेकिन जो बड़ा होता है भाई, बड़ा एक नंबर लगता है। और इधर का डोसा देख लो ऐसे आता है, हमारे तरफ जो पतला करके उसमें सब्जी डाल के वो वाला इधर नहीं है, यही वाला है, तो अच्छा है। सुबह सुबह के 40 रुपये में और क्या नाश्ता कीजिएगा। बाकी चलते हैं, देखते हैं। साहब इधर आने के बाद भी इधर भी लोग वैसे एकदम दौड़े भागे वाले हैं। वैसे बात करो तो आ चुके हम जोलारपेट जंक्शन रेलवे स्टेशन, और बात करूँ जोलारपेट जंक्शन रेलवे स्टेशन की, स्टेशन कोड JTJ नंबर प्लेटफॉर्म 5, और यहाँ से 8 ट्रेनों डेटरमेंट होती है डेली 154 ट्रेनों का यहाँ पे होल्ड भी है, जिसके कारण अच्छा खासा इधर में ट्रेन रुकती है और लोग आते और जाते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँ ना, जोलारपेट जंक्शन रेलवे स्टेशन है, इतना खूबसूरत रेलवे स्टेशन है क्योंकि हर तरफ ये प्राकृतिक सुंदर से घिरा पड़ा है। इधर में जिधर भी जाइएगा, और ये जोलारपेटे है यहाँ पे, जो ये जिस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यहाँ पे भाई साहब चंदन की खेती होती है। वही पुष्पा मूवी वाली जो चंदन देखे थे ना, चंदन काफ़ी जंगलों के अंदर में वहाँ पे चंदन की खेती होती है। वैसे बात करो तो इधर में देखे तिरुपति जब थे कितना मस्त मौसम था, और इधर आते ही शरीर जलने लगा है भाई साहब। चलो छोटा सा दो मिनट का हॉल्ट हो रहा है, निकलते हैं अपनी ट्रेन के साथ में। देखो भाई कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन साथ में बातें करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। लेकिन जो भी हो, बस इतना पता है ना कि मुंडी ऐसे ऐसे हिला दोगे तो ये भी खुश रहते हैं, और स्माइल दे दो अच्छा खासा तो ये भी खुश रहते हैं। सेलम जंक्शन बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। तो चलिए दोस्तों ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है सेलम जंक्शन रेलवे स्टेशन, और बहुत ही अच्छा है जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और बात करें सेलम की तो स्टेशन कोड SA, नंबर प्लेटफॉर्म 6, और यहाँ से 11 ट्रेन जनरेट होते हैं डेली 183 ट्रेनों का हॉल्ट है, मतलब इतना अच्छा खासा हॉल्ट है। पता है ये इतना अच्छा खासा हॉल्ट है, इतनी अच्छी तरह थी ट्रेनें क्यों रुकती है, क्योंकि भाई साहब ये जो सेलम है ये फेमस है अपने बहुत सारी चीज़ों के लिए, जैसे अपने यहाँ के स्पोर्ट्स के लिए। पूरे तमिलनाडु में 5वें नंबर का ये शहर है, मतलब जितना बड़ा तमिलनाडु है इसमें 5वें नंबर पर ये शहर आता है, पूरे किसी भी हिसाब से देख ले बड़ा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ मिल जाएगी आप सभी को, स्टील के सामान बनाने वाले, और उसके साथ साथ
ये बहुत ही प्राचीन है। यहाँ पे मंदिरें मिलेंगी, जैसे अपने भारत में प्राचीन मंदिर तो जानते हैं, उनमें से कई मंदिर आपको यहाँ पर भी देखने मिलेगी। अच्छा है, एक माता का मंदिर है, अगर आप चाहे तो कभी इधर से गुजर रहे हैं तो अगर रुकने का मौका मिले तो जरूर वहाँ पे दर्शन करें। वैसे भी ओवरऑल अपनी ट्रेन रुकी पड़ी है, जिसमें आपको खाना पीने का सुविधा अंदर तो उतना नहीं है, लेकिन हर स्टेशन पर इधर में खाने पीने की सुविधा मिल जाएगी। चलिए हमनी नमकीन चिप्स लेते हैं इस सेल्लम जंक्शन रेलवे स्टेशन से, काहे से कि इधर मैं हर एक तरफ देख रहा हूँ ना नज़ारे, दिल खुश हो जा रहा भाई, ऐसे नज़ारे हर जगह हो जाए ना तो ट्रेन जर्नी पूरे 300 दिन करने लगूंगा मैं, मतलब रोज एक ब्लॉग आएगा। दोस्तों देख रहे हो सेल्लम स्टेशन में रुके पड़े, हमारे पीछे भीड़ लगी पड़ी है सारी, बहुत सारी। आप लोग सोच रहे हो कि ट्रेन अपनी आधे घंटे ज़्यादा देर से रुकी है, क्यों रुकी है, क्योंकि एक छोटी सी बच्ची थी, वो ऐसे जो विंडो साइड होता नहीं है इमरजेंसी गेट वाला, ये जैसे ये देख रहे हैं इसी के नीचे उसने हाथ रखा था और अचानक से ये वाला गेट ही ऊपर गिर गया, पूरा का पूरा उसका हाथ कट गया, तो उसी का इलाज के लिए ट्रेन रुकी पड़ी थी, लेकिन उसका अब हाथ का पट्टी कर दिया गया है, ठीक हो जाएगा। लेकिन आप सब सतर्क रहना, क्योंकि अचानक से कभी ऐसा हो जाए तो बहुत दिक्कत हो सकता है। तो नहीं, लेकिन अब ट्रेन खुलेगी, अब बच्ची फिलहाल वैसे ठीक हो गई अब। तो चलिए जी, निकल चुके हैं सेल्लम से और मस्त बारिश हो रहा है, और बात ऐसा है ना कि आप नज़ारों को एंजॉय लीजिए, हम शरीर को आराम देते हैं, क्योंकि एक दो तीन स्टेशन छोटे छोटे आने वाले हैं, उसको स्किप करेंगे, मिलते हैं एक बड़े से स्टेशन पर। जब तक के लिए बाहर के खूबसूरती का खूबसूरत नज़ारे ज़रूर लीजिए आप। लेकिन बार बार मैं कहना चाहूँगा, छोटे बच्चे हों या बड़े लोग भी हों, जो खिड़की में आप हाथ लगा के बाहर रखते हैं ना, या खिड़की के सहारे वैसे ना रखो, कोई भरोसा नहीं है भाई कि ढीला हो चाहे। वो देखो, वो सर बता रहे हैं उन्हीं के बारे में, यहीं पर करना था स्लीपर क्लास कोच में, कि मतलब नहीं रखना, कि कोई भरोसा नहीं खिड़की ढीला है चाहे कैसा है, गिर जाएगा तो उंगली चले जाएगा। छोटी बच्ची थी, अब क्या होगा उसका तो अब भगवान जाने। तो चलिए दोस्तों, ट्रेन अपनी पहुंच चुके ओखा रामेश्वरम वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस डिंडुकल जंक्शन रेलवे स्टेशन, ये भी तमिलनाडु में ही पड़ता है। और बात करें इसे डिंडुकल जंक्शन रेलवे स्टेशन की, तो स्टेशन कोड है DG नंबर प्लेटफॉर्म 5, और यहाँ से दो ही ट्रेनों जनरेटेड ट्रेनमेट होते हैं डेली, लेकिन 92 ट्रेनों का हॉल्ट है, जो कि 5-5 मिनट आके रुकती है, अधिक से अधिक चांस होता है, क्योंकि यहाँ पर आने वाली ट्रेन है अधिक से अधिक 5 मिनट जरूर रुकती है। वैसे अगर बात करूँ इस डिंडुकल की, तो भाई साहब नाम अगर मैं देखो गलत ले रहा हूँ तो भाई साहब मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरा लैंग्वेज प्रॉब्लम है, क्योंकि आप पढ़ सकते हो क्या लिखा अगर दिख रहा हो तो। बाकी वैसे बात करो तो इस डिंडुकल में अच्छा खासा खाने पीने के लिए मिल रहा है, लेकिन ये समोसा के लिए फेमस नहीं है, ये फेमस है अपने बिरयानी के लिए। जी हाँ, जो डिंडुकल का बिरयानी है, अभी फ़िलहाल में तो 3:10 हो चुका है, यानी अपनी ट्रेन आधे घंटे लेट चल रही है, इसलिए कोई बिरयानी का तो नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ की बिरयानी भाई साहब, जैसे मुरादाबाद की बिरयानी फेमस है ना, वैसी यहाँ की बिरयानी फेमस है, और जैसे आपका अलीगढ़ का लॉक फेमस है, वैसे यहाँ का यहाँ पे लॉक भी अच्छा खासा, मतलब ताले बनाए जाते हैं यहाँ के, क्यों ताले बनाने का रीज़न ये भी है कि यहाँ पे बहुत सारा मात्रा में आयरन मिलता है, तो आयरन की कोई कमी है नहीं, तो बहुत सारी आयरन की फैक्ट्रियाँ भी होंगी। और यहाँ का जो लॉक है पूरा मशहूर है, वर्ल्ड ओवर भी मशहूर है, क्योंकि अलीगढ़ के ताले से तो होने वाला नहीं है। बाकी अच्छा खासा जब 5 मिनट का हॉल्ट है तो हम समोसा जरूर खाएंगे, क्योंकि देख लो सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, आप देख रहे हो मैंने क्या खाया है, एक भुजिया का पैकेट खाया है, एक छोटा सा सेब खाया है 10 ग्राम का, और अब समोसा तो खाना पड़ेगा। हाँ यार, वो खा डोसा जरूर खाते हैं, लेकिन समोसा खा लेते हैं। देखो भाई साहब, ये समोसा लिया था, लेकिन क्या किया सर, फेंकना पड़ रहा है, क्योंकि जो प्याज और स्टफिंग आलू का है ना, काफ़ी देर होने के बाद वो ख़राब हो चुका है, तो खाया नहीं गया। लेकिन 2 समोसे लेते, एक रिटर्न कर दिया तो 10 रुपये दे दिया, क्योंकि उसे पता है कि ये ख़राब हो चुका था, पर बेच रहे क्या कीजिएगा, दूसरे खाने की तलाश में चलते हैं। 5 मिनट रुकने वाले, शायद 10 मिनट भी रुक जाए, क्योंकि आधे घंटे तो ये 1 घंटे हमेशा लेट ही चल रही है यार। तो चलिए जी, ट्रेन तो देखो निकल चुकी, लेकिन एक लफड़ा हो गया था पता है क्या स्टेशन पर, जो देखा था मैं गया सोल्व करने के लिए, क्योंकि क्या कीजिएगा जाना पड़ता है। वैसे बात है कि हमारे नेपाल से बहुत सारे भाई लोग, चाचा जी चाची जी, बहुत सारे तीर्थ स्थान के लिए निकले हैं, केदारनाथ केदारनाथ हर जगह, बद्रीनाथ केदारनाथ हर जगह का दर्शन कर लिए हैं, अभी जा रहे हैं रामेश्वरम दर्शन करने के लिए। लेकिन हुआ यहाँ पे यूँ, जो इधर के TT हैं वो तो पहली बात हिंदी समझ नहीं पा रहे हैं,
इंग्लिश भाई हर किसी का है नहीं, हमारा भी इंग्लिश जानते हो कैसा है, तो हर कोई इंग्लिश बोल नहीं पा रहा था। मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे ये हो गई कि उन्होंने आधार कार्ड मांगा, बट तो नेपाल के लोगों के पास आधार कार्ड तो नहीं, वो आप नागरिकता होती है, तो वो लोग नागरिकता की फ़ोटो कॉपी करा के लाए थे। तो ये कह रहे हैं कि कोई ओरिजिनल कार्ड दिखाइए, बट क्या कीजिएगा, ट्रैवलिंग में लोग सोचते हैं कि कहाँ ओरिजिनल लेके जाएं, कोई खो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए डुप्लीकेट लेके आए थे, मतलब फ़ोटो कॉपी करा के। तो सर एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बाकी समझाने के बाद समझ गए, लेकिन देखिए हो सके तो आप ओरिजिनल लेके आइएगा, क्योंकि तकलीफ ना हो कुछ भी। यही सब है यहाँ का, हर स्टेट का, हर इसीलिए कहते हैं घूमो अपना देश, देखो अपना देश, तब तो समझ पाओगे कि इस देश दुनिया में क्या हो रहा है। सिटी ऑफ मोन्यूमेंट्स, तो चलिए दोस्तों ट्रेन अपनी पहुंच चुके एक बहुत ही खूबसूरत शहर, यानी हम आ चुके हैं तमिलनाडु के मदुरई में, और ये मदुरई है ना, कोई ऐसा वैसा नहीं है, वही जगह है जहां पे मीनाक्षी टेम्पल है, जो कि खूबसूरती देखने के लिए हजारों लोग हजारों जगहों से यहाँ पे आते हैं, और जो यहाँ पे इतनी मीनाक्षी टेम्पल का जो है मतलब भव्यता है कि आपने अभी तक मंदिर देखेंगे बहुत सारे, लेकिन ऐसे जल्दी मंदिर आप सभी को नहीं देखने को मिलता है। तो कभी आइए मीनाक्षी टेम्पल घूमिए, हमें तो इस बार मौका नहीं मिला क्योंकि आप सभी को मेरे को रामेश्वरम लेके जाना है। अगर ऐसा होता ना, अगर दोपहर का टाइम होता तो मैं ये ट्रेन यहीं पर छोड़ देता, पहले मीनाक्षी टेम्पल घूमता, उसके बाद तो आप सभी को रामेश्वरम लेके जाते ही। वैसे अगर बात करें रामेश्वरम की, तो रामेश्वरम जो सिटी है ये अपने इस मंदिर के लिए फेमस है, लेकिन आप सभी को रोजगार देने के मामले में भी काफ़ी फेमस है, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा के साथ साथ ये इंडस्ट्रियल हब भी है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेनाइट, रबड़ और भी काफ़ी ऑटोमोबाइल्स के यहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं, जो हमारे बिहार यूपी से भी लोग यहाँ पे काम करने आते हैं। वैसे बात करें मदुरई की, तो जानते ही हैं अच्छा खासा जंक्शन है माना मदुरई जंक्शन। तो चलिए दोस्तों ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है अपने एक शांत से और खूबसूरत से रेलवे स्टेशन, देख सकते हो माना मदुरई में। लेकिन ये बात करूँ तो ये रूट मैं पहली बार एक्सप्लोर कर रहा हूँ, और ये रूट इतना खूबसूरत है भाई साहब, साउदर्न रेलवे जोन के मदुरई डिवीज़न में पड़ता है, ये कटवाड़ी जब तक मुड़े हैं ना, जब तक खूबसूरती का अलग ही नज़ारा है। वैसे बात करिए जो माना मदुरई है ये फेमस है अपने जैस्मिन यानी चमेली के फूलों के बगानों के लिए, लेकिन क्या कीजिएगा समय के साथ साथ हर चीज़ बदले जा रहे हैं, बाग बगीचे और फूल भी, इसीलिए फूलों का उत्पादन उतना तो अब यहाँ पर नहीं हो पाता है, लेकिन अब एक नया तरीके के लिए डेवलप्ड हो चुका है ये अपने ईंट बनाने के लिए, ईंट के टाइल्स बनाने के लिए और वैसे बर्तन बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कल्चर अब नया और कंपनियाँ आ रही हैं। बाकी वैसे अच्छा खासा छोटा सा होल्ट है, चलते हैं। देखिए कॉफ़ी खिला रहा है, कॉफ़ी हम एक बार पी के देखते हैं कि क्या है इनके कॉफ़ी में। सच में ये 10 रुपये वाला जो कॉफ़ी है एक्चुअल में पीने लायक है, पिया जा सकता है, काफ़ी ठीक है, क्योंकि हर जगह कॉफ़ी तो मतलब अच्छा कॉफ़ी। और देखो कॉफ़ी का चुस्की ले ही रहा था इतने खूबसूरत रेलवे स्टेशन पे, बाकी सभी भैया लोग मिल गए। कहाँ से आप लोग? हम गुजरात से। गुजरात से, तो गुजरात से भाई सब आए हैं देखिए रामेश्वरम घूमने के लिए, आप भी गुजरात से? दादा गुजरात से सभी लोग। तो आप लोग कहाँ है घर में बैठे, आप सब भी आइए प्रभु जी के दर्शन कीजिए, महादेव के दर्शन कीजिए बिल्कुल, और गुजरात भी जाइए, क्योंकि भाई साहब ने मेरे को रिकमेंड किया गुजरात जाने के लिए, द्वारिका जाने के लिए। तो मैं 4 धामों में से 2 धाम तो कंप्लीट कर लिया हूँ, बाकी बद्रीनाथ और ये जो अपना द्वारिका है जरूर जाएंगे। तो आते हैं आपसे अब ठंडी के दिन में गुजरात में मुलाकात होगी आप सभी से। तो चलिए ट्रेन निकलने वाली है, बाकी भाई साहब सब बातें ही करते हैं। रामेश्वरम धाम, फाइनली वी रीच डन इन रामेश्वरम धाम, और फाइनली जी देख सकते हो आज के है इसे रामेश्वरम के महादेव जी के मंदिर के पास। और बात यह है ना कि भाई साहब रात को मैं आपसे बात करने वाला था, लेकिन सोचा चलो सुबह में आप सभी को दर्शन करने के बाद आप सभी को जब जाऊंगा
कभी दिखा दूंगा तो देख लीजिए, आप भी दर्शन कीजिए, लीजिए महादेव का नाम। और हाँ, यहाँ तक कि तिरुपति से रामेश्वरम की जर्नी अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम तो चले नए सफर के लिए। जब तक के लिए जय हिंद और हर महादेव। और हाँ, हमेशा मुस्कुराते रहिए हमारे साथ।